सोलन की ग्राम पंचायत बसाल के कथेड़ गांव से एक 20 वर्षीय युवक 8 मार्च से लापता है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। युवक के माता पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल से शिकायत की है और गुहार लगाई है कि उनके बेटे को शीघ्र ढूंढा जाए। सोलन की ग्राम पंचायत बसाल के कथेड़ गांव से एक 20 वर्षीय युवक 8 मार्च से रहस्यमय ढंग से लापता है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा है, जिसके चलते लापता युवक के परिजन एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। युवक के परिजन रोज पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। अब परिजनों का विश्वास पुलिस से भी उठता नजर आ रहा है। गम में डूबे युवक के पिता वीर सिंह और माता ने कहा कि उनका इकलौता बेटा फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जो रोज 6 बजे वापस आ जाता था, लेकिन वे 8 मार्च को घर नहीं पहुंचा। तब से लेकर अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को लापता हुए कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और जब वे पुलिस थाने जाते हैं तो जांच अधिकारी उनसे मिलने की जहमत तक नहीं उठा रहे और ना ही उनका फोन उठाते हैं। यही कारण है कि वे पुलिस की जांच से असंतुष्ट है। उन्होंने इसकी शिकायत राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी की है ताकि पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे और उनकी आंखों का तारा उनका बेटा वापिस मिल सके। मेरा 20 वर्षीय बेटा, उसका नाम संदीप है, जो घर से 8 मार्च से लापता है और 9 तारीख को मैंने पुलिस में सदर थाना में कंप्लेंट कराई थी, जिसका आज तक मुझे कोई पता नहीं चल पा रहा है, ना ही कोई अधिकारी मुझे बता रहे हैं। जो केस किया है मैंने उसे बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोन तक नहीं उठाते, ना ही मेरे से मिलना पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत थका हार चुका हूँ, जगह जगह भटक चुका हूँ, ठोकरें खा चुका हूँ, लोगों से कर्जा उठा उठा के भाग रहा हूँ, अपना काम धंधा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, दिहाड़ीदार भाग लूँ, घर का परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो चुका है। मजबूर होकर राज्यपाल साहब को एक लिखित खत भेजा। मेरा बेटा 8 मार्च से लापता है, वो रोज की तरह ड्यूटी गया था, ड्यूटी से शाम को 6-7 बजे तक करीब आ जाता था, उस दिन वो आया नहीं। हमने सारे उच्च अधिकारियों से भी बात की है और हमको कुछ नहीं बोला जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। हम अब इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अगर किसी को भी मेरा बच्चा दिखाई देता है, कहीं भी दिखता है, कुछ भी होता है, तो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाया जाए और हमारे को बताया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।